जिले में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिनके सैंपल 5 जनवरी को भेजे गए थे और जांच में 33 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें जतारा, बलदेवगढ़, पलेरा आदि तहसीलों के लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज अभी टोटल तो वैसे 33 हमारे पोर्टल में यहाँ डले हैं। उस 33 में से दो जो है छतरपुर के हैं और एक निवाड़ी का है, तो इनको अगर हटा देते तो 30 जो है ना टीकमगढ़ जिले में है। 30 में 11 जातारा हैं और 11 पलेरा ब्लॉक में है, एवं 8 जो है यहाँ बल्लेवगढ़ ब्लॉक में है। और इनकी जो है टीमें गई हुई हैं, तो उनके जो सिम्टम्स हैं है ना, उनके सिम्टम्स के आधार पर उनको जो है ना होम आइसोलेशन या जो है कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अभी कितनी जांचें हैं सर और आने वाली हैं? अभी देखते हैं 6 बजे तक और कितनी रिपोर्टें आती हैं। अभी कितनी गई हैं लगभग सर जांचें? जांचें तो हम प्रतिदिन जो है ना 700 के ऊपर ही जारी हैं, डेली की डेली आरटीपीसीआर। सर प्रशासन की तरफ से क्या सख्ती होगी आगे चलकर? प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, उनको जैसे बैरिकेड्स वगैरह उनके घरों में लगाए जा रहे हैं उनको, है ना, और साथ में जो है उनको अगर होम आइसोलेट किए जाएंगे तो उनको भी जो है ना उनके परिजनों को जो है ना वो रखा जाए सेपरेट। साथ में जो है ना हम भी अपनी तरफ से मॉनिटरिंग वगैरह कराएंगे कि वो जो है ना यदि हमारे कोविड केयर सेंटर में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होम आइसोलेट रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी हमको डेली करना पड़ेगी और उनको जो है ना दूसरे लोगों से सेपरेट भी रखना पड़ेगा। शासन की तरफ से भी जो है ना रोको टोको अभियान चलाए जा रहे हैं, जहाँ जो भी लोग बिना मास्क के हैं तो उन पर जुर्माना किया जा रहा है और उनके जो है ना ऐसे जो है ना पॉइंट के आधार पर हम उनके सैंपलिंग भी कर रहे हैं। हाँ, बेड में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, 298 ऑक्सीजन बेड तो हमारे जिला अस्पताल में ही है। इसके अलावा भी जो है ना जैसे जतारा में 30 बेड है ऑक्सीजन वाले, और अलग अलग जो दूसरे ब्लॉक हैं, पलेरा है या बलदेवगढ़ है या बड़ा गांव है, यहाँ भी जैसे बड़ा गांव में 6 ऑक्सीजन बेड है, पलेरा में 9 ऑक्सीजन बेड है ना, इस तरह से 10 जो है ना हमारे बलदेवगढ़ में भी ऑक्सीजन बेड है, तो वहाँ अलग अलग उसमें रखने का है। इसके साथ साथ जो है ना हमने बड़ा गांव में भी जो है कोविड केयर सेंटर अलग से जो है ना वो बना लिया है, और हमारे यहाँ भी टीकमगढ़ जिले में भी डोंगा में जो हमारा गर्ल्स छात्रावास है हरजन छात्रावास, उसमें 50 बेड जो है ना कोविड केयर सेंटर में, जहाँ हम माइल्ड मरीज जो है ना माइल्ड सिम्टोमेटिक मरीजों को रखेंगे जिनके घर पे कोई जो है ना व्यवस्था नहीं है।